Respected teachers and dear students, good morning to all of you. Students, जिद्दा कि थोड़ा पता है कि साडे रिस्पेक्टिव सेक्रेटरी एजुकेशन श्री कृष्ण कुमार जी ने दो महीने पहला वर्ड ऑफ द डे स्टार्ट किया सी इंग्लिश दे विच भी ते पंजाबी दे विच भी जिहड़ा इंग्लिश दा वर्ड उदों असीं स्टार्ट किया सी उसका पैटर्न सी जे तुसीं इंटेंटली देखा होगा कि पहला एक वर्ड लिखा होंदा सी उसके बाद उसकी प्रोनंसीएशन मीनिंग दैन उसके उस तो बाद उसका सेंटेंस दिता होंदा सी और फिर उसने रूट के बारे डिस्कस किया होंदा सी कि वर्ड का बेसिक रूट केड़ा है और फिर उस तो बाद रिलेटेड वर्ड्स दिते होंदे सी चार या पांच वर्ड्स दिते होंदे सी और उसके नाल उन्होंने सेंटेंसेस दिते होंदे सी लेकिन थोड़े काम को होर आसान बनाने वास्ते उन्होंने इंस्ट्रक्शन के नाल इस महीने तो जिहड़ा वर्ड ऑफ द डे है इंग्लिश का वह चेंज होकर रूट वर्ड ऑफ द डे हो गया है हूँ इस होया करेगा कि सब तो पहला रूट वर्ड एक दिता जाएगा और उसका मीनिंग थानू क्लीयर होएगा दिता जाएगा उस तो बाद उसका एक सेंटेंस ऑफ द डे उस रूट वर्ड के नाल रेलेवेंट कोई भी सेंटेंस दिता जाएगा और फिर उस रूट के नाल जेडे वर्ड्स बन सकते हैं या बनते हैं वह थोड़े नाल चार वर्ड्स डिस्कस किए जाएंगे उन्होंने पर्टिकुलर मीनिंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन पंजाबी दिते जाएंगे और फिर उन्होंने सेंटेंस डिस्कस किया जाएगा और मैं उम्मीद है कि सारी क्लासेस के ग्रुप्स के विच 30th नो और 1st नो रूट जो वर्ड ऑफ द डे है वो थानू दे दिता गया है सेंड कर दिता गया है लेकिन असी एक बार मैं थानू पैटर्न समझा रही हूँ 30th नो जो वर्ड सी रूट वर्ड सी दैट वॉज आर्ट आर्ट का मतलब है कला स्किल और सेंटेंस ऑफ द डे सी एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट क्योंकि आर्टिस्ट जो वर्ड है वो किस रूट वर्ड तो बनया है दसो मैनो आर्ट वर्ड तो बनया है आर्टिस्ट और इस दे नाल असी रेलेवेंट फोर वर्ड दिते सी 30th नो और वो वर्ड सीगे पहला वर्ड सी आर्टिस्ट सेकेंड वर्ड सी आर्टिजन थर्ड वर्ड सी आर्टिफैक्ट के फोर्थ वर्ड सी आर्टिस्ट हूँ तुसी देखा होएगा कि आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के विच बहुत सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों के स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम हैं सिर्फ आर्टिस्ट के विच पीछे ई लगा हुआ है और आर्टिस्ट के विच विदाउट ई है लेकिन इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है जिस तरह कि आर्टिस्ट के कहते हैं जिन्हें कोई परफॉर्मर हो कोई स्किल नो अपनी प्रेजेंट करे दैट इज कॉल्ड आर्टिस्ट जिस तरह कोई डांसर हो गया कोई परफॉर्मर हो गया कोई फिल्म एक्टर हो गया या फिर कोई पेंटर हो गया वो सारे हैं आर्टिस्ट लेकिन आर्टिस्ट वो होता है जो स्किल्ड प्रोफेशनल होता है जिस तरह कोई पेशेवर कोई गायक है ठीक है ना कोई डांसर कोई पेशेवर जिसका प्रोफेशन ये है वो आर्टिस्ट कहते हैं और जो सिंपल कोई भी आर्ट करता है दैट इज कॉल्ड आर्टिस्ट ठीक है इसी तरह आर्टिजन जिहड़ा है दैट इज आल्सो एक पर्सन जिहड़ा कि किसी आर्ट के विच स्किल्ड है जिहड़ा कि काम करता है किसी आर्ट के विच जिस तरह कोई स्कल्पटर है कोई मूर्तिकार है शिल्पकार है मूर्तियां बना रहा है या फिर ज्यूलरी तुसी देखा होगा दैट इज आल्सो आर्टिस्टिक वर्क ओनू असीं कहंदे आ आर्टिजन ते आर्टिफैक्ट की हुंदा है आर्टिफैक्ट वो ऑब्जेक्ट्स है जिहड़े कि साडे हिस्ट्री नाल रेलेवेंट है पास्ट के नाल जुड़ी हुई है वह हुई ऑब्जेक्ट्स जिहड़ियां क्राफ्ट कीतियां हुई बनाई हैं उन्होंने कहते हैं आर्टिफैक्ट ये साडे सारे चार वर्ड सीगे 30th September के और यही रूट कृष्ण कुमार जी ने नैक्सट डे भी परस्यू की और इसके अगले फोर वर्ड्स जिहड़े दिते गए वह सी आर्टिस्ट्री आर्टिस्टिक आर्टिफिशियल ते आर्टलेस ये चार वर्ड्स भी जिहड़े हैं उनका जो मेन रूट है रूट वर्ड है वह कौन है आर्ट सारे आर्ट तो ही बने हैं जिदा आर्टिस्ट्री हो गए वो आर्टिस्ट्री की होंगी है कि जो कोई स्किल है जो कि बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन के नाल किसी स्टडी के नाल प्रैक्टिस के नाल स्किल असी डिवेलप करते हैं उसको असी आर्टिस्ट्री कहते हैं तो आर्टिस्टिक कौन होता है जो कि किसी आर्ट नाल रिलेटेड हो दैट इज कॉल्ड आर्टिस्टिक और आर्टिफिशियल केड़ा है जो आर्टिफिशियल वो है जो मैन मेड है
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਆਰਟਲੈਸ ਆਰਟਲੈਸ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਕਿੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਟਲੈਸ ਮੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸਕਿੱਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਟਲੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਲੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਨ ਓ ਬੀ ਨੋ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨੋਵਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਆਰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਇਨੋਵੇਟ ਇਨੋਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ ਨੋ ਏਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨੋਵਿਸ ਤੀਸਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਰੈਨੋਵੇਟ ਔਰ ਚੌਥਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਵੇਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟ ਇਨੋਵੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਬੋਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨੋਵਿਸ ਹੈ ਨੋਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਵਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੈਨੋਵੇਟ ਰੈਨੋਵੇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਰੈਨੋਵੇਟ ਮੀਨਸ ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗੇਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
और फिर उसके बाद रिलेटेड वर्ड्स देते होंगे सी चार या पांच वर्ड्स देते होंगे सी और उनके नाल उनके सेंटेंसेस देते होंगे सी लेकिन थोड़े काम को और आसान बनाने वास्ते उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के नाल इस महीने तो जिहड़ा वर्ड ऑफ द डे है इंग्लिश का वह चेंज होकर रूट वर्ड ऑफ द डे हो गया है हूँ इस होया करेगा कि सब तो पहला रूट वर्ड एक दिता जाएगा और उसका मीनिंग थोड़ा क्लियर होएगा दिता जाएगा उस तो बाद एक सेंटेंस ऑफ द डे उस रूट वर्ड के नाल रेलेवेंट कोई भी सेंटेंस दिता जाएगा और फिर उस रूट के नाल जेडे वर्ड्स बन सकते हैं या बनते हैं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਰਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30th ਨੂੰ ਔਰ 1st ਨੂੰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥਰਡੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਰੂਟ ਵਰਡ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਰਟ ਆਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਾ ਸਕਿੱਲ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਟ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੋਰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਥਰਡੀਅਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਸੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਸੀ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਥਰਡ ਵਰਡ ਸੀ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਰਡ ਸੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹਨ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਟੋਗੈਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਲੇਕਿਨ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਕਲਪਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਊਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਵਰਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਵਰਡ ਸੀਗੇ 30th September ਦੇ ਔਰ ਇਹੀ ਰੂਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਫੋਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸੀ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਰਟਲੈਸ ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੂਟ ਹੈ ਰੂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਆਰਟਲੈਸ ਆਰਟਲੈਸ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਕਿੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਟਲੈਸ ਮੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸਕਿੱਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਟਲੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਲੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਨ ਓ ਬੀ ਨੋ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ
नोवस वर्ड तो है ओरिजिनेट होया है और इसका मीनिंग है न्यू, ठीक है। नो का मीनिंग है आर्ट का मीनिंग की है कला स्किल, शाबाश। ते अज के जेडे वर्ड्स हैं वो हैं इनोवेट, इनोवेट विच नो आ गया ना विच इन नो एट, ठीक है इनोवेट। दूसरा वर्ड है नोविस, तीसरा वर्ड है रेनोवेट और चौथा वर्ड है नवेला। हूँ मैं सारे तुम मीनिंग दस रही हूँ। फर्स्ट है इनोवेट, इनोवेट का मतलब की होंगे क्या मैं कोई दस सकता इनोवेट का मतलब की होगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। बॉय कोई नई चीज पैदा करनी, कोई नई चीज बनानी, कोई परिवर्तन लाना, वो कहते हैं इनोवेट करना। नोविस है, नोविस जिस बंदे ने कोई भी चीज नवी है, कोई नवा नवा एंड किसी ने एडमिशन ली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे विच दैट इज नोविस, ठीक है। उसके बाद है रेनोवेट, रेनोवेट मीन एक आमतौर पर सुना होगा कि मैं अपना घर रेनोवेट करवाया। रेनोवेट मीन री का मतलब होगा अगेन, ठीक है। नो का मतलब न्यू, एट का मतलब बनाना अपना घर, कोई भी चीज उसको दोबारा बनाना उन्होंने कहते हैं रेनोवेट। और फोर्थ वर्ड है नवेला, नवेला होंगे जिदा नॉवेल तुम पढ़िया होगा, नॉवेल तो होंगे ना बड़ा सारा उपन्यास, नवेला होंगे स्मॉल नॉवल उन्होंने कहते हैं नवेला, ठीक है। ये चार वर्ड्स इंग्लिश के अज के हैं और पंजाबी के वर्ड्स जोड़े हैं थर्टियथ में सी बघियाड़ी, बघियाड़ी वर्ड वो है जोड़ा कि लड़कियां सिर के बालों के गहने के रूप में पाती सन, और जिदा जूड़ा बनाते अचकल उसू आप नॉर्मली देखिए कलचर बोलते आप कलचर तुम्हें देखा होगा उन्होंने कहते सी बघियाड़ी, ठीक है। सैकेंड वर्ड है हींग, जोड़ा कि फर्स्ट अक्टूबर का सी वर्ड वो है हींग, हींग जिदा तुम्हें देखा होगा यदा मतलब है गुलारा या झूठा, जिदा सावन के महीने में टींगा पैदा होंगे सी और लड़कियां अपन सहेलियों के नाल टींग झूठदिया होंगे सी और पिछों उन्होंने पुश करते गुलारा देंगे कहते हींग का मतलब की है गुलारा। और थर्ड वर्ड जो अज का है वो है चंदन, चंदन को इंग्लिश की कहते हैं सैंडलवुड, और चंदन नॉर्मली मैसूर विच या मद्रास में विच पाया जाता है, चंदन के वृक्ष आते हैं बहुत ही सुगंधित वृक्ष होता है, इस दिया दवाइयां बनदियां हैं, लेप बनते हैं, इसका सेंट बनता है, कई रूप से विच यूज किया जाता है, ईवन क्रीमेशन वास्ते भी संस्कार जो होता है व्यक्ति का उसके भी चंदन की लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो थानू होपफुली थानू सारे वर्ड समझ आ गए होंगे और मैं उम्मीद करती हाँ कि इंग्लिश का जरा वर्ड रूट वर्ड ऑफ द डे न्यू पैटर्न है उसके नाल तुसी एक रूट तो जिन्हें थानू वर्ड्स दिते जाते हैं उसका मेन मकसद ये है कि थोड़े विच ये भी क्यूरियोसिटी पैदा होए कि तुसी होर अपने लेवल से भी देखो, सर्च करो गूगल पर जाओ सर्च करो कि ये होर कि वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तुसी अपने वालों होपफुली कोशिश करोगे।